चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन अलाउ करें, ऑल नोटिफिकेशन करें, वीडियो को लाइक करें, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉशियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के इक्विवेलेंस के बारे में समझेंगे। हम प्रूव करेंगे कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉशियस स्टेटमेंट, जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट है, वो दोनों इक्विवेलेंट है। हमारा इसके पहले जब हम इक्विवेलेंस को प्रूव करें, इसके पहले कि हम इक्विवेलेंस को प्रूव करें, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या है और क्लॉशियस स्टेटमेंट क्या है। तो पहले हम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करें। तो हमने ये पढ़ा था कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस ऑपरेटिंग इन अ साइकिल दैट रिसीव्स हीट फ्रॉम अ सिंगल हाई टेम्परेचर रिजर्वायर एंड प्रोड्यूसेस वर्क विदाउट रिजेक्टिंग इट टू अ लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर। इसका कहने का मतलब ये है कि हम कोई ऐसी मशीन नहीं बना सकते, ये मशीन ऐसी जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से, यानी जिससे सोर्स से हीट ले और पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है कि हाई टेम्परेचर के सोर्स से वो हीट ले और कुछ हिस्सा वो लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर यानी सिंक पे रिजेक्ट कर दे और कुछ अमाउंट ऑफ वर्क वो दे। ये हमारे पास में पॉसिबल है। अच्छा, इसको अपन PMM2 भी बोलते हैं। तो स्टेटमेंट केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट क्या आ जाता था कि PMM2 एक ऐसी मशीन, PMM2 यानी परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड, PMM2 ऐसी मशीन जो पूरा का पूरा हीट सोर्स से ले और पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम बोलते हैं कि PMM2 इज इम्पॉसिबल। अब हम क्लॉशियस स्टेटमेंट को थोड़ा रिवाइज कर लें। तो क्लॉशियस स्टेटमेंट ये बोलता था कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस ऑपरेटिंग इन अ साइकिल दैट विल ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर विदाउट डूइंग एक्सटर्नल वर्क। कहने का सिर्फ ये मतलब है कि हम ऐसी कोई मशीन जिसको हम रेफ्रिजरेटर या हीट पंप बोलेंगे नहीं बना सकते, जो लोअर टेम्परेचर से हीट लेके हायर टेम्परेचर पे ये भेज दे। इट इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। तो पॉसिबल क्या है? पॉसिबल ये है कि यदि मुझे लोअर टेम्परेचर से, ये लोअर टेम्परेचर T2 है, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में मैं हीट दे सकता हूँ, कब? जब मैं कोई वर्क कर रहा हूँ। तो जो मेरा पिछला वीडियो है उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा और ये दोनों स्टेटमेंट आप डिटेल में उससे समझ सकते हैं। तो मैं इसको एक बार और बता देता हूँ कि ये है आपका लोअर टेम्परेचर T2 और ये है आपका हायर टेम्परेचर T1। T1 इज ग्रेटर देन T2। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर करें। कब कर सकते हैं? जब हम कोई एक्सटर्नल वर्क दें, तब हम लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये जो वर्क होगा वो हमारा होता है, कंप्रेसर का वर्क। अब हमको इन दोनों स्टेटमेंट्स का इक्विवेलेंस शो करना है कि ये दोनों स्टेटमेंट सेम बात को शो करते हैं। तो इसके लिए हम पहले समझ लें, लेट अस से, यहां पर ये हायर टेम्परेचर का रिजर्वायर है और ये लोअर टेम्परेचर का रिजर्वायर है। तो यहां पर अपन बात करेंगे कि मान लीजिए हम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायोलेट कर देते हैं, लेकिन हमारा जो क्लॉशियस स्टेटमेंट है वो वेरीफाई हो जाता है, वो कन्फर्म है, और हम इन दोनों से कि जब एक कंबाइंड सिस्टम बनाएंगे तो वो वायोलेट कर देगा क्लॉशियस स्टेटमेंट को। तो मतलब वायोलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट लीड्स टू द वायोलेशन ऑफ क्लॉशियस स्टेटमेंट। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? ये है आपका हाई टेम्परेचर का रिजर्वायर, ये है आपका लो टेम्परेचर का रिजर्वायर, T1 इज ग्रेटर देन T2। ये वाला हाई टेम्परेचर है, ये लोअर टेम्परेचर है। अब अपन ने क्या किया, यहाँ पर एक इंजन लगा दिया और यहां पर हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से आपने हीट ली Q1 की हीट और पूरा का पूरा उसको वर्क में कन्वर्ट कर दिया W में। तो इट इज द वायोलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ये चीज पॉसिबल नहीं, इट इज द
वायलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अब हमने क्या किया, एक रेफ्रिजरेटर ऐसा बनाया जो कि क्लॉशियस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर देता है, क्लॉशियस स्टेटमेंट इसके लिए लागू हो रहा है। तो हमने क्या किया, ये जो वर्क दिया गया इस रेफ्रिजरेटर में दी, यदि हम इसमें वर्क देंगे और तो अपन क्या कर सकते हैं, लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अपन ने क्या किया, यहां पर वर्क दिया और क्यू टू की हीट हमने क्या करी, लोअर टेम्परेचर से ली, और यहां पर टोटल हीट कितनी हो जाएगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाए तो दिस प्लस दिस, तो ये आ जाएगा क्यू वन प्लस क्यू टू, दिस ये क्यू वन प्लस क्यू टू, क्यू वन प्लस क्यू टू, ये आपका क्या हो जाएगा, ये वर्क यहां पर आप दे रहे हो और हीट यहां से आपकी जा रही है, तो इट बिकम्स क्यू वन प्लस क्यू टू। तो यहां पर अपन ने क्या किया, एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर को साथ में लगा दिया। ये जो इंजन है ये तो वायलेट कर, ये इंजन जो है वो तो वायलेट कर रहा है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को, लेकिन ये जो रेफ्रिजरेटर है वो कंफर्म कर रहा है वो क्लॉशियस स्टेटमेंट को। अब मान लीजिए यदि हम इसको एक सिस्टम बना लें, पूरे को एक सिस्टम बना लेते हैं, ये पूरे को अपन एक सिस्टम बना लेते हैं, तो अब देखें क्या हो रहा है, टी वन का जो रिजर्वायर है उससे क्या हो रही है, हीट आपकी कितनी जा रही है, क्यू वन अंदर आ रही है और क्यू वन प्लस क्यू टू बाहर जा रही है, तो ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, इस सिस्टम के अंदर से, इस सिस्टम के अंदर से क्यू टू की हीट बाहर जा रही है, ये लिखा है अपन ने, क्यू टू की हीट बाहर जा रही है। और यहां पर क्या देख रहे हैं अपन, नीचे वाले जो आपका लोअर टेम्परेचर का रिजर्वायर, वहां से आपकी क्यू टू की हीट जा रही है इस सिस्टम के अंदर में, इस सिस्टम के अंदर में, तो क्या हो रहा है, क्यू टू की हीट जा रही है, तो ये क्या हुआ, दिस इज द वायलेशन ऑफ क्लॉशियस स्टेटमेंट, क्योंकि लोअर टेम्परेचर से, क्योंकि टी वन इज ग्रेटर देन टी टू, और आपका जो T2 है वो लोअर टेम्परेचर है, जो T2 है दिस इज द लोअर टेम्परेचर और दिस इज द हायर टेम्परेचर, T1 इज द हायर टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर से आपके हायर टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर हो रही है विदाउट डूइंग एनी वर्क, तो इट इज द वायलेशन ऑफ क्लॉशियस स्टेटमेंट, दैट मीन्स वायलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, दैट द वायलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट लीड्स टू द वायलेशन ऑफ क्लॉशियस स्टेटमेंट। तो यहां से अपन ने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, क्योंकि इसका यदि वायलेशन हो जाता है, केल्विन प्लैंक का वायलेशन हो जाता है, इट इज द सेम एज द वायलेशन ऑफ क्लॉशियस स्टेटमेंट। अब इसको अपन दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं, दैट द वायलेशन ऑफ क्लॉशियस स्टेटमेंट, दैट द वायलेशन ऑफ क्लॉशियस स्टेटमेंट लीड्स टू द वायलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अब इसको कैसे प्रूव करें, इसको प्रूव करने का ये तरीका है, ये जो आपका पहला वाला है ये अपन ने यहां पर अगेन T1 जो है यहाँ पर ये हाई टेम्परेचर का रिजर्वायर का टेम्परेचर है और ये लोअर टेम्परेचर का रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर T2 है, दैट इज T1 इज ग्रेटर देन T2। हमने क्या किया, यहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर लगा दी, दिस इज अवर रेफ्रिजरेटर, और हमने क्या किया, लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट भेज दी विदाउट डूइंग वर्क, यानी इट इज द वायलेशन ऑफ क्लॉशियस स्टेटमेंट, दिस इज द वायलेशन ऑफ क्लॉशियस स्टेटमेंट। फिर अपन ने क्या किया, यहाँ पर एक इंजन लगा दी, दिस इज अवर इंजन, वो क्या करेगा, हाई टेम्परेचर सोर्स से हीट लेगा, कुछ भाग रिजेक्ट करेगा और कुछ भाग को वो वर्क में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज द कंफर्मेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को ये वाला इंजन जो है वेरीफाई कर रहा है। अब मान लीजिए यदि मैं इसको एक सिंगल सिस्टम बना देता हूं, मान लीजिए मैं इसको एक सिंगल सिस्टम बना देता हूं, इसको एक सिंगल सिस्टम बना, तो क्या यहां से मुझे पता चल रहा है, यहां से मुझे पता चल रहा है, यदि मैं इसको टोटल बना दूं तो यहां से Q2 की हीट बाहर जा रही है और Q1 की हीट अंदर आ रही है, ये Q1 की हीट अंदर आ रही है, तो सिस्टम में क्या हो रहा है, हीट जो आ रही है वो कितनी आ रही है, Q1 माइनस Q2 की हीट इस सिस्टम के अंदर में आ रही है, ये जो ओवरऑल सिस्टम है उसमें, और क्या हो रहा है, Q2 Q2 तो बराबर है दोनों यहां पर, तो क्या हुआ आपका, Q2 अंदर जा रहा था और यहां पर Q2 हीट आपकी बाहर जा रही थी, Q1 Q2 कैंसिल होकर यहां पर जीरो की हीट, यहां पर कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहां पर लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, अपना वर्क हमको यहाँ पर मिल रहा है कितना, Q1 माइनस Q2, Q1 ये ओवरऑल सिस्टम को देखें तो कितना आ रहा है, Q1 माइनस Q2, क्योंकि यहाँ पर यदि अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, Q1 इक्वल टू W प्लस, यदि अपन इस इंजन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, Q1 की हीट अंदर जा रही है आपकी, Q1 की हीट आपके अंदर जा रही है और वो दो भाग में गई, W और Q2, तो यहां पर हम लिख सकते हैं Q1 इक्वल्स टू W प्लस Q2, या अपन लिख सकते हैं W इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, वही यहां पर अपन ने लिखा है,
तो अपने को वर्क मिल रहा है क्यू वन माइनस क्यू टू, और हीट भी अपनी अंदर जा रही है, हीट भी क्यू वन माइनस क्यू टू जा रही है और वर्क भी मिल रहा है। दिस इज द वायोलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर बिना रिजेक्ट किए हीट ये एक इंजन बन गया है जो बिना हीट रिजेक्ट किए पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। तो दिस इज द वायोलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। इसका मतलब ये हुआ दैट द वायोलेशन ऑफ क्लॉशियस स्टेटमेंट लीड्स टू द वायोलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। यदि आपने एक स्टेटमेंट को वायलेट कर दिया तो दूसरा भी वायलेट हो जाएगा, जिससे हमको ये पता चलता है कि दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपके सेम हैं, दोनों इक्विवेलेंट हैं। आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन अलाउ करें, ऑल नोटिफिकेशन करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।